तो हाय दोस्त, मैं हूँ मोशारफ गैंगटॉक इंडिया से। तो ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी है ओरिजिनल के सीरीज। तो इसका आज हम चेक लाइट हटाने वाला है। इंजन का जो लाइट आ रहा है चेक लाइट, तो इंजन का जो माल बसन का लाइट है वही आ रहा है गाड़ी में। गाड़ी स्टार्ट करने का बाद भी आ रहा है, तो इसको आज हम हटाएंगे। तो इंजन का चेक लाइट क्यों आता है, चेक लाइट क्या होता है, उसका बारे में आज हम बात करेंगे। तो इंजन का चेक लाइट जो कोई भी सेंसर आपका काम नहीं करेगा तो आपका चेक लाइट दिखाएगा, शो करेगा इंजन में। तो अगर आप कोई छेंजर का जो जैक है कपलर, और खोलने से भी चेक लाइट दिखाएगा, और कोई छेंजर काम नहीं करेगा इंजन में उसके लिए भी चेक लाइट दिखाएगा। और आपका इंजन में जितना सेंसर है, कोई भी सेंसर का अगर एक वायर टूटा हुआ होगा और कोई भी वायर से करंट लीक होगा तो आपका इंजन का लाइट डैशबोर्ड में शो करेगा। और ये शो कैसे करता है, कैसे ये काम करता है, आपका गाड़ी में जो ACM है वो ACM से थ्रू ये डैशबोर्ड में आपको चेक लाइट शो होता है। अगर आपका गाड़ी में कोई भी सेंसर काम नहीं करेगा तो ACM को मालूम चलता है भैया ये सेंसर गाड़ी के काम नहीं कर रहा है, तो ACM ये चेक लाइट दिखाएंगे। तो चेक लाइट क्या होता है, चेक लाइट आपका इंजन का जो जितना भी सेंसर है उसका एक सिंगल है, एक सिंगल देता है इंजन में, जो चेक लाइट है। ये चेक लाइट अगर आपका चाबी स्विच में, आपका जो इग्निशन स्विच में, आपका जो गाड़ी का इग्निशन स्विच है उसमें अगर आपका चेक लाइट शो नहीं करेगा तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और ये जो चेक लाइट होता है, ये स्टार्ट करने के बाद आपका जो इग्निशन, आपका जो स्टार्ट करने के बाद जो चेक लाइट है वो जाना चाहिए। वो क्यों नहीं जा रहा है अभी तक, ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है गाड़ी में, पुराना गाड़ी में ज़्यादा हो रहा है। इंजन स्टार्ट होने के बाद भी चेक लाइट दिखा रहा है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले इस पर मैनुअल में देखेंगे, मैनुअल में ये चेक लाइट जाता है कि नहीं जाता है, मैनुअल में ये हटने से अच्छा है। कि अगर इग्निशन स्विच ऑफ है, अभी ऑन करेंगे, देखिए इग्निशन स्विच ऑन किया है, जितना का लाइट है सारे लाइट शो कर रहे थे, देखिए तो देखिए दोस्त अभी गाड़ी स्टार्ट हो गया। देखिए ये जो लाइट होता है, ये तो लाइट है, ये सिंगल, ये तो सीट बेल्ट का है, ये तो हट जाएगा सीट बेल्ट लगाने से। और ये जो लाइट आ रहा है इंजन का लाइट, चेक लाइट देखिए, माल भक्षण का लाइट, ये लाइट नहीं आना चाहिए स्टार्ट करने के बाद। ये जो लाइट है, ये लाइट देखिए, स्टार्ट करने के बाद ये जो लाइट है, ये लाइट ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए, ये लाइट हटना चाहिए, लेकिन अभी तक हटा नहीं है। देखिए तो देखिए आपको हम गाड़ी स्टार्ट करके दिखा दिया है, अभी मैंने देखिए इंजन का जो सिग्नल आ रहा है, ये स्टार्ट करने का बीच के ये चला जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जा रहा है। तो इसको अभी हम स्टेप बाय स्टेप, तीन स्टेप में पहले मैनुअल करेंगे, उसके बाद मैनुअल से नहीं होगा तो ये स्कैनर से करेंगे। तो देखिए इसको आपको फर्स्ट में आपको चेक करना पड़ेगा जितना सेंसर है, ये जितना सेंसर है सबका सेंसर का वायरिंग चेक करना है, कोई सेंसर का वायर तो टूटा हुआ नहीं है। देखिए ये जो सेंसर है, इसका जो वायर है, जितना का जितना सेंसर है सब सेंसर चेक करना है, कोई का सेंसर तो वायर तो टूटा हुआ नहीं है। तो आराम से इसको चेक करेंगे, जितना सेंसर है उसको पूरा चेक करेंगे। इंजन का अंदर जितना सेंसर था, हम सभी का सेंसर का वायर चेक किया है, किसी का सेंसर भी वायर टूटा हुआ नहीं है। तो ये अगली स्टेप, एक नंबर स्टेप हो गया, अभी दो नंबर स्टेप में करेंगे, रिसेट करेंगे सारी से ACM को रिसेट करेंगे। कोई कोई टाइम में सारी से ACM से रिसेट करने से भी चेक लाइट चला जाता है, वो तब नया नया गाड़ी में चला जाता है, लेकिन पुराना गाड़ी में जल्दी नहीं जाता है, पुराना गाड़ी में पूरा दिक्कत आता है। तो हम सभी से पहले रिसेट करेंगे ACM को, पहले सभी आपको, तो पहले सभी आपको निकलना है। अभी सभी लगाएंगे, देखिए अब सभी लगा दिया, अभी स्विच लगाना है, इधर लगा दिया इग्निशन स्विच लगा दिया, लगाने के बाद 5 मिनट 4-5 सेकंड रखना है। देखिए हम 4-5 सेकंड लगा दिए, लॉक करना है, फिर रखना है 4-5 सेकंड, दो बार हो गया, तीन बार 4-5 सेकंड हो गया, चाबी को निकलना है, निकलना है, लगाना है, स्टार्ट करना है, स्टार्ट हो गया। देखा उधर नज़दीक में देखा, देखिए चेक लाइट नहीं हटा है, हम चाबी से ACM को रिसेट कर दिया है फिर भी नहीं जा रहा है। अभी इसको तो तीसरा स्टेप होगा, वो है आपको बैटरी जो पोल है गाड़ी का, गाड़ी का जो बैटरी पोल है उसको खोल के 15-20 मिनट रखना है। तो देखिए अभी हम तीसरा स्टेप करेंगे, देखिए अभी तीसरा स्टेप में क्या करना है, बैटरी पोल खोलना है। देखिए हम बैटरी पोल खोल दिया, और पोल में देखिए कितना रोस्टी लगा हुआ है, देखिए पोल में, देखिए पोल में देखिए कितना ख्याल लग चुका है, और ये सब कार्बन देखिए कितना जम गया पोल में, और पोल का किला में भी देखिए। तो इसको पूरा सा छापा करना है, अच्छा से छापा करके 15-20 मिनट ढकना है, ढक के गाड़ी के अंदर जितना सेंसर है इंजन में, सब सेंसर का जैक जो कैपलर है एक बार खोलना लगाना है, देखिए जितना का सेंसर का जैक है एक बार खोल रहा है और लगा रहा है, क्योंकि कोई कोई टाइम पर सेंसर इंजन का जो सेंसर है, सेंसर का जैक भी लूज होने से इंजन का लाइट आता है। और बैटरी पोल खोलने से कोई कोई गाड़ी में सेंसर का जितना का सेंसर है जैक खोलने से
इसे ग्लाइड इंजन का सिग्नल चला जाता है। हम बहुत बार ट्राई किया कि मेरा एक्सप्रेस से। देखिए अभी हम बैटरी पर लगा दिया है, अभी गाड़ी स्टार्ट करने वाला है, लेकिन भी स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टार्ट करेंगे, काट दिया। देखिए मैनुअल में देखिए चला गया इंजन का लाइट, आप देख लिए इंजन का लाइट चला गया है मैनुअल में। तो देखिए मैनुअल में इतना करने के बाद देखिए इंजन का लाइट देखिए चला गया। फिर जैसे का हम गाड़ी एक बार वॉक किया, फिर स्टार्ट किया, फिर इंजन का लाइट जैसे का ऐसे आ रहा है। तो इसको भी क्या करना है, इसको अभी ओटीपी स्कैनर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनुअल से नहीं हो रहा है। मैनुअल से एक बार हुआ फिर आ रहा है, तो इसको अभी ओबीडी लगाएंगे। तो देखिए आप मैनुअल में जो किया है, बैटरी बल्ब खोल के इतना सेंसर था सब खोल दिया है, सिग्नल चला गया। हम इंजन एक बार ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, फिर स्टार्ट किया, फिर सिग्नल आ रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, अभी मैनुअल में जितना था हम सब काट दिया, अभी मैनुअल में नहीं हो रहा है। अभी जो ओडीपी है ये लगाएंगे, ओडीपी स्कैनर से इसको हम इंजन पर हटाएंगे लगाएंगे। देखिए अभी इसको लगाएंगे, लगा के मोबाइल से कनेक्ट करेंगे सेंसर में। तो इसको देखेंगे इसको फॉल कोड क्या है, फॉल कोड पहले चेक करेंगे, उसके बाद चेक करके इसको फॉल कोड का हम हटाएंगे। पहले देखेंगे कौन सा सेंसर काम नहीं कर रहा है। जो लगाने का सिस्टम होता है ये हर गाड़ी में होता है, ये गाड़ी में देखिए इधर ओरिजिनल में इधर होता है। देखिए स्टीयरिंग का जो नीचे है सीधा नीचे, देखिए कपलर, देखिए ये लगा दिए, लाइट ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये गाड़ी में लग गया है। अभी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा मोबाइल से। देखा तो देखिए ये हम गाड़ी में लगा दिया है, अभी उसका लाइट जो ब्लिंक कर रहा है, अभी वो गाड़ी से कनेक्ट हो गया। उसका आपको मोबाइल से जो ब्लूटूथ है होता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आपका गाड़ी जो एसीएम है, एसीएम से कनेक्ट करके फॉल कोड देखना पड़ेगा, क्या प्रॉब्लम है देखना पड़ेगा। तो देखिए आप मोबाइल से जो आपको ऐप्स लगेगा, ट्रक नाम में एक ऐप्स होता है, इंजन देखिए इंजन का लाइट जैसा शो कर रहा है, ये ऐप से आपको काम करना पड़ेगा। तो देखिए ये ऐप्स डाउनलोड किया है, अब ये ऐप्स हटाएंगे। देखिए हम ये तो देखिए अभी आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मेरा से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है और आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए कनेक्ट हो चुका है, अभी आपको जाना है आपका गाड़ी का चाबी जो स्विच है, इग्निशन स्विच में रखना है, रख के आपको जो ट्रक नंबर जो ऐप्स है, ऐप्स खोलना है। तो देखिए ऊपर में एक देखिए गाड़ी का बिलिंग कर रहा है, देखिए एक कार का देखिए बिलिंग हो रहा है। तो ये बिलिंग कर रहा है इसका मतलब आपका मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो देखिए हम रियल टाइम इंप्रेशन में आया है और आपको इधर देखा गया स्विच से कनेक्ट होने से, ये कनेक्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसमें। देखिए कनेक्ट होने से आपका जो आरपीएम है, देखिए आरपीएम शो करेगा, देखिए आपका आरपीएम देखिए शो कर रहा है 1000 दिखा रहा है, इसका मतलब स्विच से कनेक्ट हो गया। अभी आपको रियल टाइम इंप्रेशन में जाने से भी आपको दिखाएगा एसीएम से कनेक्ट हो गया। और अभी आपका गाड़ी का जो एक्सेलरेटर है वो देखिए कितना अभी आरपीएम में है, देखिए वो दिखा रहा है 1000 में दिखा रहा है। तो रियल टाइम में देखिए कनेक्टेड टू ईसीयू, इसका मतलब आपका गाड़ी ईसीयू से कनेक्ट हो गया, एसीएम से कनेक्ट हो गया। तो अभी हमको फॉल कोड निकलना है, तो फॉल कोड निकलने के पहले गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट करके फॉल कोड निकलना है। हम फॉल कोड में आया है, अभी देखिए इधर सर्च करेंगे, अभी फॉल कोड देखिए आएगा, देखिए फॉल कोड इधर देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, 100 तक होगा 100 तक, देखिए ठीक है। देखिए इधर फॉल कोड आया है, देखिए P0031, इसका मतलब है देखिए इधर तो लिखा हुआ है P0031 पावर ट्रेंडिंग H02S हीटर कंट्रोल कैलोरीज लो बैंक 1 सेंसर 1। तो इसका जो मतलब है P00 का मतलब है आपका जो ऑक्सीजन सेंसर है, सेंसर का जो चैलेंजर का मेनू बुक होता है केटली कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, तो उसका सिंगल आ रहा है। तो देखिए इसको हम अभी रीसेट करेंगे, और P0031 ये सेंसर का आपको मालूम नहीं होगा कौन सा सेंसर का नाम है, तो इसको आप काम नहीं कर रहा है, इसी के सेंसर का नाम आ रहा है। देखिए इधर P0031 आपको अगर मालूम नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा क्या कौन सा सेंसर है, कौन सा कोड आया है, तो आपको ये सेंसर में ऐड करना है P0031, आपको बैक करना है, आपको जाना है गूगल में। देखिए हम गूगल में आया है, तो गूगल में जाकर सर्च करना है, देखिए P00031, देखिए सेंसर को सेंसर सुजुकी का गाड़ी है, सुजुकी आना है। देखिए क्या सेंसर आपको देखा है, देखिए ऑक्सीजन सेंसर है, ये जो कोटली कैनमेटर में लगा होता है, देखिए ऑक्सीजन सेंसर है, देखिए सुजुकी का। और ये सेंसर का ज़्यादा फॉल होता है, इंजन का सेगलाइट ऑक्सीजन सेंसर का ज़्यादा फॉल में आता है। देखिए ये जो सेंसर है, देखिए इसका फोटो आ रहा है, आपको मालूम नहीं चलेगा ये कौन सा सेंसर है पिन कोड देख के, तो आपको आप पिन कोड से गूगल में भी सर्च कर सकता है। तो देखिए ये पिन कोड है, तो ये ख़राब है, ये ख़राब का वजह से ये जो सेगलाइट आ रहा है, लेकिन गाड़ी में मिस उस कुछ भी नहीं है, तो इसको हम रिसेंटली इसको फॉल कोड करेंगे, फॉल कोड करके हटाएंगे। देखिए ये जो सेंसर है, ये सेंसर आप हमारे पास है ही नहीं अवेलेबल, तो इसको हम ऑर्डर किया है। तो फॉल कोड में आपको दिखा दिया है,
जो P0031 का कोड आ रहा है ये ऑक्सीजन सेंसर है। तो ये ऑक्सीजन सेंसर खराब है जो कैटली कंप्यूटर में लगा हुआ होता है, ये सेंसर तो ही खराब है। तो ये सेंसर अभी हमारे पास है ही नहीं है, तो इसको लगाने से आपका जो इंजन का सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये सेंसर खराब है इसलिए गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, दिक्कत भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इंजन को सिग्नल आ रहा है। तो इसको हम अभी फॉल्ट कोड निकल लिए है, अभी इसको क्लियर फॉल कोड करेंगे, सिग्नल को हटाएंगे और ये आपका गाड़ी में आएगा। कोई गाड़ी में मिस यूज नहीं होगा तो गाड़ी में आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप गाड़ी आराम से चला सकता है। ये ज़्यादातर ऑक्सीजन सेंसर में आता है। इसको रिसेट करेंगे, देखिए सेंसर से देखिए, ये 3 पिन में जाना है। देखिए आपको इधर लिखा हुआ है क्लियर फॉल्ट ऑन ECU, तो आपको इसमें क्लिक करना है। ये हम क्लिक कर दिया है तो देखिए आपको नीचे आएगा, देखिए इधर ओके बटन आएगा, ओके करना है। देखिए फॉल कोड देखिए क्लियर हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए 100% होना है, बाहर कोई जगह कागज नहीं है। देखिए क्लियर फॉरवर्ड हो गया। इंजन में गाड़ी में देखा, देखिए इंजन का लाइट, देखिए गाड़ी स्टार्ट पोजीशन में और इंजन का लाइट, देखिए सिग्नल चला गया है। अब इसको क्लियर फॉरवर्ड कर दिया, इंजन का सिग्नल चला गया है। तो इसको अभी ऑफ करना है, फिर स्टार्ट करना है, देखेंगे फिर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गाड़ी ऑफ किया, सब इशू लगाया, हम स्टार्ट करेंगे, देखिए चला गया। तो देखिए हम इंजन का सिग्नल जो रिमूव कर दिया है, हटा दिया है, और आपका गाड़ी में इंजन में सिग्नल आ रहा है तो कुछ प्रॉब्लम अगर नहीं हो रहा है, मिस यूज गाड़ी में कुछ भी नहीं है, गाड़ी अच्छा चल रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ सिग्नल आने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और सिग्नल आने से आपका गाड़ी मिस कर रहा है तो गाड़ी का टर्न कमती हो रहा है, तो आपका गाड़ी में प्रॉब्लम हो सकता है। और देखिए हम सिग्नल हटा दिया है। तो आज का वीडियो इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसा वीडियो देखने के लिए।